हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू डू कॉलम लेआउट इन प्लान। दोस्तों कॉलम लेआउट कैसे करते हैं, ठीक है। कई बार हम घर का नक्शा तो बना लेते हैं पर कॉलम की पोजीशन कहाँ कहाँ है, राइट, कॉलम का कहाँ कहाँ देना है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ थंब रूल बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप जो है आपके घर का जो नक्शा है उसमें कॉलम लोकेट कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंचर सिविल इंजीनियर भी ध्यान दे रहे, वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है वो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती कि कॉलम की पोजिशन कैसे डिसाइड होती है। दोस्तों ये जो मैं थंब रूल बताने जा रहा हूँ ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपका प्लान एरिया छोटा हो, 1500 स्क्वायर फीट है, राइट, और उसके बाद आपका जो कोई भी रूम की साइज है वो 12 फीट से लेके 15 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब दोस्तों आप जो अगर ये जो कॉलम लेआउट है, ठीक है, ये जो यूज़ करेंगे तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको वन बाय वन सारे थंब रूल बताने वाला हूँ, प्लस इसके लिए जो गाइडलाइन है मतलब कॉलम की और बीम की साइज देने पर रेनफोर्समेंट डिटेल आपको क्या देनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहला जो थंब रूल है, ठीक है, जब भी आप कॉलम लेआउट करें तो आपको जो कॉलम लेआउट करना है वो जंक्शन पे करना है। जंक्शन पे मतलब जहाँ पे दो वॉल जो है कनेक्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे दो वॉल कनेक्ट हो रही है तो मैं यहाँ पे दो एक कॉलम दे सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम दे दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक कॉलम दे सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। ठीक है, मैं इसको और दूसरा कलर कर देता हूँ जिससे आपको इजीली इसमें पता चल जाए। तो ये एक कॉलम जंक्शन हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ पे भी वॉल जंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कॉलम दे देंगे हम लोग। मतलब जहाँ पे दोस्तों वॉल जंक्शन आ रहा है, ठीक है, वहीं पे हमें कॉलम देना है। तो देखिए इस तरह से जहाँ पे जंक्शन है वहीं पे हमें कॉलम देना है। तो यहाँ पर भी एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक कॉलम है, ठीक है। तो अब दूसरा जो थंब रूल है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ नॉर्मल हाउस। दोस्तों अगर आप नॉर्मल बना रहे 1000 से 1500-2000 स्क्वायर फीट तो आपको ये 9 इंच बाय 9 इंच या 9 इंच बाय 12 इंच की साइज ले सकते हैं। मैं तो प्रिफेयर करूंगा कि आप भी जो भी घर बना रहे हो उसमें 9 इंच बाय 12 इंच का ही कॉलम यूज करें, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरी चीज ध्यान में क्या रखनी है जब भी आप कॉलम लेआउट करें, ठीक है, जब भी हम कॉलम लेआउट करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉलम शुड नॉट एक्सीड 12 to 15 फीट। मतलब 12 से 15 फीट से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट अगर आप 9 बाय 12 का कॉलम ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट दो कॉलम के बीच का अगर डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, तो वो चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है, मतलब ये सही है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है ये कितना है, तो ये देखिए करीबन ये 11 है, ये 4.5 है, मतलब ये भी दोस्तों चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये डिस्टेंस देखिए ये कितना है, ये कॉलम है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे आने वाला है, दूसरा यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस 16 फीट है, ठीक है, ये डिस्टेंस 16 फीट है बट ये डिस्टेंस कितना है 11 फीट है, मतलब ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। उसी तरह से आपको देखना है कि आपके जो कॉलम आप लोकेट कर रहे हो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस दोस्तों 15 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा होता है तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी या फिर बीम की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, दोनों की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तभी दोस्तों आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलम की जो पोजिशन है वो डिसाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने यहाँ पे कॉलम लोकेट कर दी है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर है, कॉर्नर पे आएंगे फिर ये बीच में आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कॉलम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये ग्रिड बननी चाहिए एक हिसाब से, आपकी जो कॉलम है उसकी क्या बननी चाहिए, एक हिसाब से ग्रिड बननी चाहिए, ठीक है। तो उसका वीडियो भी मैंने 3D मॉडल बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये कॉलम लोकेट आपने कर दिए जहाँ जहाँ जंक्शन है, दोस्तों कॉलम कभी भी हमारा सेंटर में ना आए, ये ट्राई करिए कि आपका कोई कॉलम यहाँ पे सेंटर में ना आ जाए। अगर आपने यहाँ पे कॉलम दिया है तो ये सेंटर में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा कॉलम लोकेशन के लिए कि रूम के अंदर कॉलम नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जब भी हम आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर
कलम लोकेट करते हैं तब दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हैं। तो अब दोस्तों आपने लोकेट कर दिया है कॉलम को, आपने साइज दी है 9 इंच बाय 12 इंच। तो अब इसके लिए स्टील रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होने वाली है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर 12 से 15 फीट का डिस्टेंस है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम 12 से 15 फीट का है, तो आपको जो कॉलम है, ठीक है, आपका जो कॉलम है ठीक है, ये वाला अगर सिलेक्ट करेंगे तो मिनिमम 4 बार्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो कॉलम है उसमें मिनिमम 4 स्टील आपको लगाने हैं, ठीक है, मिनिमम आपके 4 स्टील होने चाहिए, 6 भी लगा सकते हैं अगर बीच में हम लगाएंगे तो। मिनिमम 4 स्टील होने चाहिए 12 mm के, मतलब ये जो स्टील है, ठीक है, ये जो स्टील है वो 12 mm का आपको लेना है, ठीक है, अगर 12 से 15 फीट का डिस्टेंस है। और स्टील जो है वो आपको यूज़ करना है Fe 500 का, ठीक है, ये याद रखना कि स्टील आपको Fe 500 का यूज़ करना है। उसके बाद बीम की साइज़ भी 9 इंच बाय 12 इंच, और ओके, सो उसके बाद जो कॉलम के अंदर स्टीरअप्स आते हैं, मतलब कॉलम है उसके अंदर जो स्टीरअप्स आते हैं वो आपको लेने हैं। मिनिमम उसका डायमीटर 8 mm होना चाहिए और उसका जो स्पेसिंग है वो 6 इंच का होना चाहिए सेंटर टू सेंटर, ठीक है, मतलब 8 इंच का डायमीटर और ये जो स्पेसिंग है वो 6 इंच का आपको मिनिमम रखना है। उसी तरह से बीम की साइज़ भी 9 इंच बाय 12 रखेंगे तो उसमें 2 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर एट द बॉटम एंड 2 नंबर्स ऑफ 10 mm डायमीटर एट द टॉप विथ इन विथ 8 mm स्टीरअप्स। मतलब आपका अगर बीम है, ठीक है, तो बीम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बॉटम में रहेंगे, ठीक है, बॉटम में जो स्टील रहेंगे वो दोनों रहेंगे 12 mm के और जो टॉप में रहेंगे वो रहेंगे 10 mm के, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बीम में जो है बॉटम में ज़्यादा लोड आता है, टेंशन आता है, इसकी वजह से बॉटम में 12 mm का स्टील रहेगा और टॉप में 10 mm का स्टील रहेगा। उसी तरह से उसका जो स्टीरअप्स आएंगे, अब ये बीम आपने इस तरह से लोकेट किया तो उसके अंदर जो स्टीरअप्स आएंगे वो दोस्तों मिनिमम 8 mm के आपको यूज़ करने हैं और इसका जो स्पेसिंग है वो 6 इंच तक आपको मिनिमम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 9 इंच बाय 12 इंच के कॉलम और बीम के लिए मैंने बताया। उसके बाद फाउंडेशन की डेप्थ आप तो 5 से 6 फीट रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा, 6 से 7 फीट, ठीक है। स्लैब थिकनेस आपकी 4.5 इंच होनी चाहिए अगर आप, ठीक है, तो ये स्लैब थिकनेस जो है वो 4.5 इंच की आपको रखनी होगी, 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम ले रहे हैं। फाउंडेशन डेप्थ मैंने बताया 5 से 6 फीट के करीब होनी चाहिए। उसके बाद स्लैब रेनफोर्समेंट की बात करें तो उसमें आपको स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है, मतलब ये जो बेंटअप बार जो आएंगे, ठीक है, वो आपको लेने हैं 12 mm के, ठीक है, और उनका जो स्पेसिंग रहेगा वो 6 इंच का आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको लेने हैं 8 mm के, मतलब यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी आते हैं, वो आपको लेने हैं 8 mm के, उसका भी स्पेसिंग आपको रखना है 6 इंच का, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, फ्रेशर सिविल इंजीनियर जरूर ध्यान दे कि ये जो है ये जनरली नॉर्मल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें इस तरह से जो है वो स्टील होते हैं जनरली, ठीक है। जो लेबर है उनको भी पता होता है कि स्लैब में कौन सा स्टील रहता है, बट हमारे जो सिविल इंजीनियर उनको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें कॉलम लोकेट करने हैं और जो मैंने स्लैब की डिटेल बताई उस तरह से हमें दोस्तों वो जो डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। दोस्तों आपको इसमें अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, उसका मैं ज़रूर आंसर करूँगा।